इंडियन आइडल एकेडमी सिमेट्री रोड लुधियाना में आयोजित किया गया गीत संगीत का एक कार्यक्रम, जिसमें अलग अलग उभरते हुए गायकों ने भाग लेकर अपनी संगीत की प्रतिभा को दिखाया। इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंची बिंदिया मदान। मैं आज इंडियन आइडल में आया हूँ। आज मेरी तीसरी परफॉर्मेंस है और मैं यहाँ बहुत इंजॉय करता हूँ और बस आज मेरी तीसरी परफॉर्मेंस है और मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है और मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था एडमिशन के लिए तो यहाँ पे यानी मेरी इंट्रो इस तरीके से ली गई थी कि जैसे आप म्यूजिक में कैसे इंस्पायर हो। मैंने उनको बताया कि मैं कैसे इंस्पायर हूँ। मैं जो पिछले रियलिटी शोज देखता हूँ उनके पीछे की पर्दे के पीछे की तैयारी देखी मैंने, तो वैसे मैं इंस्पायर हूँ। जैसे कोई भी सिंगर होता है सिलेक्ट कर लेता है कंटेस्टेंट को, तो फिर वो अपने नीचे एक बंदा देता है, जैसे सोनू निगम ने सिलेक्ट करके अपने नीचे एक बंदा देना है कि हाँ इस बंदे को तैयार करना है और इंस्ट्रूमेंट पे गवाना। हेलो, मैं इंडियन आइडल एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेम हिमा चड्डा है। आज मैं यहाँ फंक्शन में परफॉर्म भी करने वाली हूँ। इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एज ग्रुप। हर एज ग्रुप का पर्सन यहाँ पे सीखता है और परफॉर्म करता है। हमें हमारे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करवाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स भी हैं और हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेरा नाम नीरज द्विवेदी है और मैं इंडियन आइडल एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। लुधियाना भी बहुत अच्छी एकेडमी है, आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छे गुरुओं के साथ में रहकर आप अच्छा म्यूज़िक सीख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक साल हो चुका है और काफ़ी कुछ सीखा है इस दरमियान मैंने, तो आप भी प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें, आइए और देखिए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इंडियन आइडल एकेडमी की तरफ से। आए हुए मेहमानों का स्वागत किया इंडियन आइडल एकेडमी के प्रमुख रविनंदन शर्मा ने और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए इस किस्म के आयोजन और भी किए जाएंगे। लव सिद्धू के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना। हाय, आई एम नमन अत्री। मैं इंडियन आइडल एकेडमी में सीखता हूँ और आज मैंने इंडियन आइडल एकेडमी के अंदर ही मैंने परफॉर्म किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और सुकून से गा रहा था मैं और कमेंट्स भी अच्छे मिले। और हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यामिनी एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंडियन आइडल एकेडमी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स विच इनचेरिशेस अ चाइल्ड सो मच। दे गिव अस सो मच कॉन्फिडेंस टू सिंग इन फ्रंट ऑफ अ ऑडियंस, अ लार्ज स्केल ऑडियंस, एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ अ रियली गुड एकेडमी एंड एवरीवन शुड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच। फैशन डिजाइनर।
आज इंडियन आइडल एकेडमी में बच्चों का ये शो देखने आई हूँ। यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा दिल से गाया है। हाई, आई एम मनप्रीत। मैं इंडियन आइडल एकेडमी दी स्टूडेंट हाँ। तो मैं इतने 3-4 महीने हुए हैं अजे आई नू। तो जो मेरे गुरु ने रवि सर, सनी सर, उन्होंने मेरे मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ने कि मैं इतने सिंगिंग गुड करा। तो मैं माण है कि मैं इंडियन आइडल अकैडमी की स्टूडेंट। अकैडमी चो 1 साल हो गया मैंने ज्वाइनिंग की। इतों का नेचर, इतों का माहौल बहुत ही वधिया ने। इतों के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा वधिया ने। तो मैं इतने हो के इतने रह के बड़ा ही अच्छा फील हो रहा मैनू। मैं पार्ट है इस अकैडमी का। अच्छा साडा परफॉर्मेंस आ इतने महीने दर महीने कॉम्पीटिशन होंगे रहते हैं, जिस नाल साडा एक्सपीरियंस गेन होंदा वा। थैंक यू। बहुत ही दिल से गा रहे हैं और इस एज में वो इतना अच्छा गा रहे हैं तो आने वाले समय में वो ज़रूर एक अच्छे कलाकार बनेंगे। और ये सारा श्रेय जाता है रवि नंदन शर्मा जी को, जो बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आके बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा पाते हैं। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि वो अपने बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे बाहर आने का मौका दें और ऐसे ही अकेडमी में उनको करवा कर जो अंदर